नमस्कार दर्शक मित्रों, माय सेल्फ डॉक्टर भार्गव विनावत, आईवीएफ कंसल्टेंट, इंदिरा आईवीएफ अहमदाबाद। आज इस डिजिटल मीडिया के माध्यम से मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ निसंतानता और उसके ट्रीटमेंट मोड्स के बारे में। ओमिक्रॉन जो कि कोविड का एक नया वेरिएंट आया है, तो उसको ध्यान में लेते हुए मैं आशा करता हूँ कि आप सब पूरे प्रिकॉशंस के साथ अपनी हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हुए अपना डे टू डे रूटीन मेंटेन करते होंगे। निसंतानता मतलब कि कोई भी एक कपल जो कि कुदरती हिसाब से प्रेगनेंसी रखने के लिए आगे बढ़ रहा है, उसको प्रेगनेंसी नहीं लग पा रही है, तो जब भी वो डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले कुछ बेसिक रिपोर्ट्स जांचें की जाती हैं। पति पत्नी दोनों की जाँचें की जाती हैं, जिसमें पति के हिसाब से शुक्राणु की जाँच, स्त्री के हिसाब से एक सोनोग्राफी और स्त्री पुरुष दोनों की खून की जांच, जो कि हार्मोनल लेवल पे कुछ एबनॉर्मलिटी है तो हमें डायग्नोस करके देगी। ये बेसिक रिपोर्ट के साथ एक निदान बनता है कि एग्जैक्टली कौन सी दिक्कत है, कौन सी परेशानी है जो कि प्रेगनेंसी में रुकावट डाल रही है, और ये डायग्नोसिस पे आधारित होकर ट्रीटमेंट के मोड्स डिसाइड किए जाते हैं। वैसे जब भी कोई कपल निसंतानता के लिए ट्रीटमेंट लेने के लिए जाता है तो मेनली तीन प्रकार की ट्रीटमेंट की जाती है। एक है दवाइयाँ, एक है IUI यानी कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, और एक है IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। शुरुआत हम दवाइयों से करते हैं, मतलब कि जो कपल ने बेसिक रिपोर्ट करा रखे हैं और रिपोर्ट सारे के सारे नॉर्मल आए हैं फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो ऐसे केसेस को अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी ऐसा कहा जाता है, मतलब कि प्रेगनेंसी ना रुकने की कोई ठोस वजह हमें नहीं मिल रही है। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाता है, माहौल के दूसरे दिन से बीज बनने की दवाई स्त्री को दी जाती है। 5 गोली का कोर्स रहता है। ये दवाई खत्म होने के बाद दवाई की कितनी असर आई उसके लिए माहौरी के 12वें दिन पे सोनोग्राफी करके चेक किया जाता है। अंडाशय के अंदर परिपक्व बीज बना कि नहीं वो देखा जाता है माहौरी के 12वें दिन पे, 14वें दिन पे, 16वें दिन पे, ऐसे सीरियल मॉनिटरिंग से अल्ट्रासाउंड इवेल्यूएशन के हिसाब से ये बीज बना है कि नहीं वो देखा जाता है। जिस दिन बीज परिपक्व बन जाता है तो वो बीज फूटने का इंजेक्शन दिया जाता है, और उसके 36 घंटे बाद रूटीनली बीज फूटता है तो पति पत्नी को 2-3 दिन तक साथ में रहने की सलाह दी जाती है। ये होगी दवाइयाँ। दवाइयों के कुछ लिमिटेशंस हैं जिसके कारण उसका सक्सेस रेट भी कम है, मतलब कि अराउंड 10% सक्सेस रेट कहा जाता है कि 100 कपल के अंदर दवाइयाँ देंगे तो अराउंड 10 कपल्स में प्रेगनेंसी लगेगी। ये कम सक्सेस रेट होने की वजह ये है कि हम दवाइयों से बीज बना सके, बीज फूटने का इंजेक्शन देके बीज को फोड़ सके, पर वो बीज फूट के पेट के अंदर चला गया या नली में गया। नली में आया है तो वहाँ पे शुक्राणु पहुंचे कि नहीं, फलन की प्रक्रिया शरीर के अंदर पॉसिबल हुई कि नहीं, गर्भ बना कि नहीं, वही गर्भ गर्भाशय तक पहुंचा कि नहीं, वहाँ पे वो इम्प्लांट हो पाया कि नहीं, डेवलप हो पाया कि नहीं, ये सारी की सारी बातों के लिए हमें खुद भी स्त्री के शरीर के ऊपर आधारित रहना पड़ता है। जिन्होंने दवा कराई है और प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, या फिर खास केसेस के अंदर मतलब कि शुक्राणु की संख्या गतिशीलता कम है और संबंध रखने के बाद से जो शुक्राणु स्त्री के शरीर के अंदर गिरते हैं उसमें से शुक्राणु जो गति करके गर्भाशय में से होके नली में से होके छूटे पड़े हुए बीज तक पहुंचने वाले हैं, पर संख्या गतिशीलता कम होने की वजह से वो शुक्राणु वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो ऐसे केसेस के अंदर IUA प्रोसेस हेल्पफुल होती है। IUA मतलब कि इंट्रा यूट्राइन यानी कि गर्भाशय के अंदर इंसेमिनेशन, शुक्राणु को छोड़ने की प्रक्रिया। इसमें माहौरी के दूसरे या तीसरे दिन से बीज बनने की दवाई या इंजेक्शन दिया जाता है, बीज परिपक्व बन जाता है तो बीज फूटने का इंजेक्शन दिया जाता है, और उसके 36 घंटे बाद पति के शुक्राणु को लेबोरेटरी में लेके उसमें से अच्छे गतिशील शुक्राणु को अलग करके एक पिपेट की मदद से स्त्री के गर्भाशय के अंदर छोड़ दिया जाता है। शुक्राणु का आधा रास्ता हम पिपेट की मदद से कट कर रहे हैं। अब शुक्राणु को गर्भाशय के अंदर से छोटे पड़े हुए बीज तक पहुँचना है, तो ऐसे केसेस में इम्प्लांटेशन रेट, सक्सेस रेट, जो IUA प्रक्रिया का सक्सेस रेट है वो दवाइयों के कंपेयर में दुगना है। उसका रीज़न ये है कि आधा रास्ता हम शुक्राणु का पिपेट की मदद से कट कर रहे हैं, पर फिर भी IUA प्रोसेस के अंदर सक्सेस रेट कंपैरेटिवली 20% के अराउंड मिलता है। इसका रीजन भी सेम, बीज फूट के पेट के अंदर गया कि नली में गया, शुक्राणु गर्भाशय में से भी छूटे पड़े हुए बीज तक पहुंचे कि नहीं, फलन हुआ कि नहीं, गर्भ बना कि नहीं, गर्भाशय तक पहुंचा कि नहीं, इम्प्लांट हुआ कि नहीं, ये सारी बातों के लिए हमें वापस से स्त्री के शरीर के ऊपर आधारित रहना पड़ता है। जिन कपल ने दवा प्रक्रिया IUA प्रक्रिया करा रखी है और प्रेगनेंसी नहीं लग रही, यह उसकी जो बेसिक रिपोर्ट जांचें हैं जो ऐसा बता रहा है कि ऐसे केसेस में दवा या IUA प्रक्रिया उतनी हेल्पफुल नहीं होगी,
ऐसे केसेस के अंदर आईवीएफ प्रोसेस, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रोसेस की जाती है। मतलब कि जो बातों के लिए हमें स्त्री के शरीर के ऊपर आधारित रहना पड़ता है वही बातों को हम लेबोरेटरी के अंदर पॉसिबल बनाते हैं। मावरे के दूसरे दिन से हम इंजेक्शन से दोनों साइड के अंडाशय को स्टिम्युलेट करते हैं, मतलब कि उनके अंदर जो भी अंडे हैं उसको बड़े करते हैं, सोनोग्राफिक इवेल्युएशन सीरियल मॉनिटरिंग करते जाते हैं। जब अंडे परिपक्व बन जाते हैं तो स्त्री को 10 मिनट के लिए बेहोश करके यही वाले अंडों को हम लेबोरेटरी में ले लेते हैं। पति के शुक्राणु को हम लेबोरेटरी में ले लेते हैं, अंडा और शुक्राणु का मिलन हम लेबोरेटरी के अंदर कराते हैं। तो गर्भ का सर्जन लेबोरेटरी के अंदर होता है और वही वाले गर्भ को हम एक पिपेट की मदद से गर्भाशय के अंदर तक छोड़ देते हैं। मतलब कि सरल भाषा में आईवीएफ प्रोसेस को समझें तो नली को बाईपास करने की प्रक्रिया को आईवीएफ बोलते हैं। आज की तारीख में आईवीएफ की भी एडवांस तकनीक यानी कि ICSI अवेलेबल है। ICSI मतलब कि इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। पहले क्या था कि एक छोटे बड़े हुए बीज के आजू बाजू पति के करोड़ों शुक्राणु छूटे छोड़ जाते थे, उसमें से कोई एक शुक्राणु बीज का फलन करता था। तो जिस पति के पास करोड़ों शुक्राणु है ही नहीं या फिर जो शुक्राणु की गुणवत्ता अच्छी नहीं है वो वाला शुक्राणु बीज के अंदर एंटर कर जाता था तो गर्भ की गुणवत्ता खराब हो जाती थी। इसी तकनीक के अंदर क्या किया जाता है कि स्त्री के छोटे बड़े हुए बीज को एक सुई की मदद से पकड़ के रखते हैं, दूसरी सुई की मदद से पति के करोड़ों शुक्राणु में से सबसे अच्छे वाले शुक्राणु को ही छोटे पड़े हुए बीज के अंदर छोड़ा जाता है। तो अच्छी गुणवत्ता वाले शुक्राणु का चयन करने को मिलता है इसी तरीके से। दूसरा कि जिस पति के पास करोड़ों शुक्राणु नहीं है ऐसे केसेस में भी 15 से 20 अच्छी गुणवत्ता के शुक्राणु मिल जाते हैं, तो ऐसे केसेस में पति अपने शुक्राणु के साथ ही पिता बनने के लिए आज की तारीख में सक्षम है। तो बहुत सारे एडवांस तकनीकों के साथ डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट मोड्स अवेलेबल हैं। तो जो भी निसंतान दंपति हैं जो कि बेसिक रिपोर्ट करानी बाकी है या किसी ने बेसिक रिपोर्ट के साथ कुछ बेसिक निदान बनाया है तो वो एग्जैक्टली अपने केस में कौन सा ट्रीटमेंट मोड ज़्यादा सही रहेगा उसके लिए नज़दीकी अच्छे हॉस्पिटल का संपर्क करें और उसके आधार पर ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ें तो जल्द ही प्रेगनेंसी के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हैं।